हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं अंजू पटेल आपका अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज का जो वीडियो है वो हेयर केयर के ऊपर है, तो इसमें मैं आपको घर पर ही डीप कंडीशनिंग करना सिखाऊंगी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि डीप कंडीशनिंग की जरूरत क्यों होती है बालों को। एक्चुअली क्या होता है ना, जो हमारे वो बहुत ज्यादा रफ हो जाते हैं क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा स्टाइलिंग करते हैं और बालों का ध्यान नहीं देते, बालों को मॉइस्चराइज नहीं करते। और जब हम लोग बाहर निकलते हैं तो बहुत सारे पॉल्यूशन के कारण भी ये बाल रफ हो जाते हैं, जिससे बालों पे स्प्लिटेंस होना भी स्टार्ट हो जाता है। तो सारी जो प्रॉब्लम है वो इसलिए होती है क्योंकि बालों नीचे वाले जो बाल है ना वो रफ हो जाते हैं क्योंकि उनको मॉइस्चराइजेशन नहीं मिलता। तो हमेशा उनको मॉइस्चराइज करके रखना भी पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए हम लोग 15 दिन 20 दिन के बीच में एक बार बालों पे डीप कंडीशनिंग कर सकते हैं। तो उससे क्या होता है ना कि बालों को प्रॉपर मॉइस्चराइजेशन मिलता है। अगर बालों को प्रॉपर मॉइस्चराइजेशन मिलेगा तो उससे आपके बाल स्मूथ हो जाएंगे, सिल्की हो जाएंगे और बहुत ही अच्छे हो जाएंगे और उनका टेक्स्चर इम्प्रूव होता है। तो अगर आप बहुत ज्यादा स्टाइलिंग करते हैं या आपके बाल बहुत ज्यादा रफ हैं या आपके बाल कर्ली हैं तो फिर आपको डीप कंडीशनिंग तो करते ही रहना चाहिए। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको सबसे पहले अपना कंडीशनर लेना है। आप कोई सा भी कंडीशनर यूज़ कर सकते हैं जो भी आप रेगुलर डेज पे अपने बालों पे लगाते हैं। मैं सनसिल्क का कंडीशनर ले रही हूँ क्योंकि ये मेरे बालों पे बहुत सूट करता है। आपको कंडीशनर अपने हेयर के लेंथ के अकॉर्डिंग लेना है। अब आपको इसमें ऐड करना है विटामिन ई के कैप्सूल। ये कैप्सूल्स बहुत रीजनेबल हैं और आपको किसी भी मेडिकल स्टोर में बहुत ईजी मिल जाएगा। आपको एक से दो कैप्सूल लेना है और इसका इसके अंदर जो लिक्विड है ना उसको आपको कंडीशनर के साथ में डालना है। ध्यान से इसका लिक्विड जो है वो आप कंडीशनर में मिला लीजिए। अब इसके बाद में मैं ले रही हूँ एलोवेरा जेल। मैं पतंजलि का एलोवेरा जेल यूज़ करती हूँ। आपको ये एक से डेढ़ चम्मच लेना है। आप चाहें तो एलोवेरा जेल के जगह पे रॉ एलोवेरा भी यूज़ कर सकते हैं। अब आपको इस मिक्सचर को अच्छी तरह से मिलाना है। अब ये आपकी डीप कंडीशनिंग की या हेयर स्पा की क्रीम जो है वो रेडी हो गई है। आपको सबसे पहले अपने बालों के छोटे छोटे सेक्शन करने हैं और उसके बाद फिर इसको आपके रूट के एक से डेढ़ इंच के ऊपर से अच्छी तरह से लगाना है। एक्चुअली ध्यान रहे कि ये आपके रूट्स में ना लगे क्योंकि कंडीशनर को और रूट्स में नहीं लगाया जाता है। तो आप ध्यान से कंडीशनर को अपने बालों में लगा लीजिए। सारे बालों में कंडीशन लगा लिया है। अब आप चाहें तो गर्म टॉवल से अपने बालों को स्टीम दे सकते हैं या तो आप डायरेक्ट जाएं और इसको ठंडे वाटर से धो लें। और ये है मेरे बाल हेयर वॉश के बाद। आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर चेंज हो गया है और ये पहले से कहीं ज़्यादा शाइन करने लग गया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ये वीडियो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।